क्या आप जानते हैं कि हम जो मटर पुलाव बनाते हैं उसमें से जो है मटर का कलर अलग सा क्यों हो जाता है? क्योंकि हम उसे थोड़े से गलत तरीके से बनाते हैं। हम क्या करते हैं कि प्रेशर कुकर में तड़का देते हैं, चावल और मटर डालते हैं और फिर उसे पका लेते हैं, और उससे होता ये है कि मटर का जो नेचुरल कलर है वो ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, मटर पुलाव बनाने का एक सिंपल और बहुत ही आसान सा तरीका बताती हूँ कि आप मटर को अलग से इस तरीके से जीरे लौंग के साथ तड़का लगा लें और चावल को आप अलग पका लें इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर चावल को अलग पकाया हुआ है और इसके बाद से मटर के साथ हम राइस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, अभी आप जैसा कि देख रहे हैं हमारे इस मटर पुलाव में मटर एकदम ग्रीन है, इसका जो नेचुरल कलर है वो बरकरार है और देखने में भी बहुत ही टेम्पटिंग है, डिलीशियस है। ऐसा लगता है कि किसी के सामने जाएगा तो कोई भी इसे उठाकर आसानी से खा लेगा। और इतना खूबसूरत सा दिखने वाला मटर पुलाव, आई होप आप लोग को भी पसंद आया होगा। तो आप लोग भी इस तरीके से मटर पुलाव बनाइए, अपने घर वालों को खिलाइए और इन्जॉय करिए।